भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे मैच के दूसरे दिन का खेल खेला गया। दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे उस्मान ख्वाजा और कैमरून गिल ने ऑस्ट्रेलिया टीम को सदी हुई शुरुआत दी और ऑस्ट्रेलिया टीम दूसरे दिन के लंच ब्रेक तक कोई भी विकेट नहीं गंवाया। इस दौरान कैमरून गिल ने अपना शतक भी पूरा किया जबकि उस्मान ख्वाजा ने अपना 150 रन भी पूरा किया। पहले सत्र में भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज विकेट लेने में नाकामयाब रहे और इस सेशन में भारतीय टीम कोई भी विकेट नहीं ले सकी और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले सेशन में अच्छी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश किया लेकिन दूसरे सेशन में बल्लेबाजी करने के लिए आए ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने संभल कर कुछ ओवर खेले लेकिन बाद में उस्मान ख्वाजा को अक्षर पटेल ने 180 रन के स्कोर पर एबल डबल आउट करके ऑस्ट्रेलिया टीम को पांचवा झटका देने में कामयाब रहा। ऑस्ट्रेलिया टीम इस मैच में कैमरून गिल ने 170 रन गेंदों में 114 रन की पारी खेली वहीं उस्मान ख्वाजा ने मात्र 422 गेंदों में मात्र 180 रन की पारी खेल सकी। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम 480 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है। वहीं भारत के टीम की तरफ से इस मैच में मोहम्मद शमी 2 विकेट, रविचंद्रन अश्विन 6 विकेट और रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को एक एक विकेट हासिल होती है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 36 रन है। कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल दोनों क्रीज पर मौजूद है जहां रोहित शर्मा 33 गेंदों में 17 रन बनाकर नाबाद लौटे वहीं सुमन गिल 27 गेंदों में 18 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच का तीसरे दिन का खेल 9:30 पर शुरू होगा। दोस्तों ऐसे ही ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए।